कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में समाज सेवियों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जहां कोचिंग में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को फ्री में स्कूली बैग, किताबें सहित स्टेशनरी वितरण की गई। वहीं निशुल्क बैग, कॉपी, किताबें पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मामला भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के लालपुर गाँव का है। आपको बता दें, यहाँ पर हेब्रोन सिलो प्रेयर हाउस द्वारा गरीब बच्चों को निशुल्क कोचिंग पढ़ाया जाता है। इसमें नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चे शामिल हैं। आसपास के गांव से करीब 2 दर्जन बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। इन्हें निशुल्क शिक्षा दी जाती है। वहीं मंगलवार को कोचिंग में पढ़ने आने वाले बच्चों को निःशुल्क स्कूली बैग, पेन पेंसिल सहित बिस्कुट वितरण किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यवसायी रमेश सिंह यादव ने शिरकत की। उन्होंने गरीब बच्चों को अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया और कहा कि समाज सेवी द्वारा किया जा रहा यह काम बेहद सराहनीय है। आज के बच्चे ही कल देश के भविष्य बनेंगे। इनका भविष्य उज्जवल रहेगा, तभी तो देश विकास करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।